तो हथियारों की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, उन हथियारों की जो भारत में बने हुए हैं। फाइटर जेट तेजस के नए वर्जन की टक्कर चीन के लड़ाकू विमान J-10 के साथ है, लेकिन चीन को तवज्जो ना देकर दुनिया भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमानों को पसंद कर रही है। देखिए क्या है इसकी वजह इस रिपोर्ट। भारत के नए वायुवीर तेजस MK-1A ने चीन की नींद उड़ा दी। तेजस MK-1A की दुनिया भर में बढ़ती डिमांड से बीजिंग के स्वयंभू खलीफा घबरा गए। पिरामिडों वाले देश मिस्र में भी भारतीय तेजस के नए वर्जन को लेकर भारी उत्साह है। मिस्र भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट के नए अवतार तेजस MK-1A को चीन के लड़ाकू विमान की जगह तरजीह दे सकता है। आखिर क्यों दुनिया भारत के इस लड़ाकू विमान की मुरीद हो गई है? इसकी वजह है तेजस के नए अवतार की दुनिया में बढ़ती धाक। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश तेजस के अपग्रेडेड वर्जन को खरीदने में पहले ही रुचि दिखा चुके हैं, अब मिस्र भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। सितंबर की शुरुआत में मिस्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में चीन का J-10 लड़ाकू विमान आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। मिस्र के गीजा पिरामिडों के ऊपर चीन के कुछ J-10 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। चीन अपने J-10 फाइटर जेट की ताकत और काबिलियत को प्रदर्शित करके मिस्र को डील के लिए लुभाना चाहता है। लेकिन अब मिस्र का डेलीगेशन तेजस के नए वर्जन के बारे में दिलचस्पी ले रहा है। वो सभी टेक्नोलॉजीज हैं जो के जरूरी हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो बराबर की टक्कर देगा। जो भी बाकी जहाज हैं उनके पास सेम टेक्नोलॉजीज उनके पास हैं, और मेरे हिसाब से ये बराबर की टक्कर देगा। और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली J-10C खरीदा है चाइना से, तो मेरे ख्याल से उसकी तो बराबरी नहीं तो ऊपर ही रहेगा LCA Mark 1। दुनिया भर में भारत के स्वदेशी हथियारों की बढ़ती मांग आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम का सबूत है। इससे चीन जैसे देश घबराए हुए हैं। और जो हमारी वायुसेना और हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा रक्षा क्षेत्र वेपन्स प्लेटफॉर्म्स एयरक्राफ्ट के निर्माण में इंडिजनाइजेशन की ओर मजबूत कदम बढ़ा चुका है। आज लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट सेंसर्स राडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी चीजों में हम बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं, और इन क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। भारत से हथियार खरीदने वालों की लिस्ट में मलेशिया जैसे देश पहले ही शामिल। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचा है। इसी तरह वियतनाम जैसे छोटे देश भी भारत से कई रक्षा सौदे करना चाहते हैं। अंजु निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।